टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। लगातार बढ़ते जहरीले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बुलंदशहर प्रशासन ने कमर कस ली। बुलंदशहर डीएम द्वारा दिए गए आदेशों पर आज एडीएम फाइनेंस ने प्रदूषण विभाग की टीम के साथ मिलकर हुरजा में अभियान चलाया। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर प्रदूषण फैलाने वाली भट्टियों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए पहासू रोड स्थित खान भट्टे पर छापामारी की। इस दौरान भट्टा चलता पाया देख एडीएम ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाकर भट्टे में पानी डाल उसे बंद कराकर प्रदूषण विभाग को विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नगर में चल रहे कई अवैध नियारियों को, कारखानों को भी सील किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ खुर्जा नगर पालिका की टीम ने भी नगर में अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने 9 स्थानों पर पहुंचकर 5 भट्टियां तोड़ी और मना करने के बाद भी भट्टियां चलाने वालों से 9200 रुपए का जुर्माना वसूल किया। साथ ही उन्होंने लोगों से कूड़ा नहीं जलाने की अपील की। लगातार जलती पराली और दीपावली के मौके पर जलाए गए पटाखों के बाद वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे आबो हवा जहरीली हो गई, जिसको नियंत्रित करने के लिए बुलंदशहर प्रशासन ने आज कूड़ा जलाने वालों, कोयला और लकड़ी की भट्टियां जलाने वालों व ईंट उद्योग संचालित करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। डीएम के आदेश पर एडीएम फाइनेंस मनोज कुमार सिंघल और प्रदूषण विभाग के जय संतोष कुमार टीम के साथ पहासू मार्ग स्थित खान ईंट उद्योग पर पहुंचे, जहां चिमनी से धुआं निकलता हुआ देखकर उन्होंने फायर ब्रिगेड टीम को मौके पर बुलाया। साथ ही पानी डालकर सुलग रही आग को बुझवाया गया। जैसा आप अवगत हैं, एनसीआर क्षेत्र में इस समय वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और इसके लिए एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कूड़ा को जलाना, कहीं प्लास्टिक पॉलीथीन जलाना, किसी प्रकार से कोयले की लकड़ी की भट्टी जो धुआं उत्पन्न कर रही है उसको जलाना प्रतिबंधित है, जब तक कि एनवायरनमेंट साफ ना हो जाए। इसी क्रम में एक खान ईंट उद्योग अगौरा पहासू रोड खुर्जा में उसने जला लिया था, बाकी सब भट्टे बंद हैं, तो उसको आज फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगा करके उसकी आग को बुझवा दिया गया, भट्टा बंद करा दिया गया है प्रदूषण को रोकने के लिए। बाकी सभी भट्टे वालों को ये निर्देशित किया गया है कि जब तक ये पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, एयर क्वालिटी साफ़ नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो भट्टे को संचालित न करें और भट्टों में आग न लगाएं। अगर यदि वो आग लगाते हैं तो भट्टा बंद करा दिया जाएगा और एनजीटी के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना और अन्य दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज यहाँ खुर्जा में कूड़ा उड़ा जलाना जल रहा था, दुकानों पे भट्टियाँ जल रही थी, वो स्मोक कर रही थी पैदा, उन सबको कुछ को तोड़वाया गया है, कुछ पे जुर्माने की कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ यहाँ ये पता लगा कि कुछ यहाँ सोने चांदी की मिट्टी को भी गलाने का काम करते हैं, जो बाहर से लेकर के आते हैं गुजरात स्टेट से, और उसको यहाँ पे पीस करके भट्टियों में जलाते हैं, जिसमें बहुत खतरनाक धुआं निकलता है। उन भट्टियों को भी आज चेकिंग कराई जा रही है और उनमें से 2 को सील किया गया है। सीलिंग की कार्रवाई जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चल रही है और इनको भी चिन्हित करके इन अवैध रूप से चल रही इन भट्टियों को बंद कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही एडीएम ने जुर्माना वसूलने के लिए प्रदूषण विभाग की टीम को निर्देश दिए। इसके बाद एडीएम मनोज सिंघल टीम के साथ जीटी रोड पर कबूतर पैंट के निकट स्थित नियारियों के कारखानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने एक के बाद एक करीब 10 जगह छापेमारी करते हुए भट्टियां तोड़ी और 2 स्थानों पर नियारियों की मशीनों को सील किया, जबकि प्रशासन अवैध कारखाने चलाने वालों पर जुर्माना वसूलने की भी तैयारी कर रहा है। हालांकि टीम को देखकर वहां कार्य करने वाले इधर उधर भाग निकले। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हमिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।